हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अशीजन, वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर चैप्टर जी एस टी डेट इज कम्पोजिशन लेवी. देखिए कंपोजिशन लेवी जो है ये सब के लिए सब जो सप्लायर हैं उनके लिए कंपल्सरी नहीं है एक ऑप्शनल स्कीम है पहले देखिए हम इसका एक बेसिक जो है एक मतलब समझते हैं कि वट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंपोजिशन लेवी

सेरी जीएसटीआर 1 को फाइल करनी पड़ेगी जैसे जीएसटीआर वन दैट इज रेडी टू इनवर्ड सप्लाई दैट मींस ए को जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को एक ग्रेट डाटा गिवन होगा देना होगा ऑन दी पोर्टल दैट ही हैज परचेज दी दिस नंबर ऑफ गुड्स एंड एट दिस रेट्स ठीक है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्वांटिटी एज वेल एज दी अमाउंट एंड दी रेट जो भी उसने पे किया है

कोई भी पर्सन है अगर किसी को आई टी सी का बेनिफिट लेना हो तो वो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो है इनवर्ड प्लस में पूरा पर हो जाता है ठीक है तो अभी ये जो मैंने बात करी है ये मैंने बात करी है किसके बारे में अभी मैंने कंपोजिशन लेवी की बात नहीं करी अभी मैंने जो बात करी है वो किस रेड बात करी है दैट इज नॉर्मल लेवी दैट मीन्स पहले आपको नॉर्मल लेवी समझना पड़ेगा

तो बेसिकली ये इन सबको जो है काफी कॉम्प्लिकेशन रहती है तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक अलग से स्कीम लेकर आइए विच इज कॉल्ड कॉल्डिशन लेवी देखिए इसमें क्या होता है कंपोजिशन लेवी जो है सेक्शन टेन में कवर होता है पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन टेन वन सेक्शन टेन वन क्या बोला सेक्शन टेन में फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज कंपोजीशन स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम एंड ऑप्शन अवेल्ड

कि सेक्शन नाइन थ्री एंड नाइन फोर में जो जो चीज लिखी हुई है वो वो भी साथ साथ जो है वो सेक्शन जो जितने रूल्स हैं वो भी साथ साथ चलेंगे अब इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं देखो क्या है पहले एक बार एक बार, एक बार हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लेवी एंड दी कॉम्पोजिशन लेवी जैसे देखिए ये कौन है मिस्टर वाई है ठीक है एंड मिस्टर वाई ने पहले मिस्टर एक्स से कुछ परचेज किया मे बी गुड्स और सप्लाई

एक्स वाई कौन है रेसिपेंट सो हु विल पे टैक्स और डिपेंड करता है कि उसको कौन से नेचर का है दैट मीन्स देर मार्ट बी चांस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज एंड देर मार्ट ठीक है बट दोनों ही गवर्नमेंट के पास जाएंगे अगर फॉरवर्ड चार्ज हुआ देन हु विल पे टैक्स दैट इज रिवर्स चार्ज हो देन हु विल पे टैक्स बाई वाई ठीक है एंड दोनों ही केसेस में मीन्स चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे वो रिवर्स चार्ज हो दोनों ही केस में जो आई टी सी एप्लीकेबल हो ठीक है तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है नॉर्मल मैंने भी डिस्कशन किया है जो भी आप तक तो आपता है वो अब बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की अब यहाँ पर सप्लाई कौन है मिस्टर वाई एंड ही इज बेसिक सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज एनीथिंग ठीक है तो हम बात करते हैं क्वेश्चन इज हु विल पे दैट हुई की लाइब्रिटी वो किसके ऊपर है अगर नॉर्मल लेवी है अभी हम नॉर्मल लेवी अगर नॉर्मल लेवी है तो देखिए जो सप्लायर है दैट दैटर वाई वो क्या करेगा जितना भी उसने एक्चुअल टैक्स से रिसीव किया इन फॉर्म ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वो उसको माइनस कर देगा एज आई टी सी इनवर्ट सप्लाई का आई माइनस कर देगा और जो बैलेंस होगा वो गवर्नमेंट को जाकर पे गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा ठीक है यही अब तक होता था नॉर्मल अब तक आपका नॉर्मल लेवी में अब बात करते हैं कंपोजिशन लेवी में कंपोजिशन लेवी में क्या होगा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दि सप्लायर नीड टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट एट कंसेन रेट क्या क्या कंसेशन रेट है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे दैट कब 1 लगेगा फाइव परसेंट लगेगा एंड कब सिक्स परसेंट लगेगा बट इफ दिस सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी ही कांट गेट द बेनिफिट ऑफ आई टी सी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं आई रिपीट अगर सपोज यू आर सप्लायर एंड यू हैवे चांस टू गेट बेनिफिट ऑफ इनपुट बट वंस यू ऑप्टेट फॉर नॉर्मल लेवी सॉरी कंपोजिशन लेवी देन यू हैव टू पे टैक्स टू कंसेशन रेट प्लस यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ आई टी सी

He has purchased some goods in the form of inward supply. Suppose amounting rupees of rupees 1 lakh, and he has paid 12% as GST to the supplier and he has purchased another goods again inward supply but in this case rcm that is reverse charge mechanism is applicable suppose he has purchased a good of rupees some goods of rupees 2 lakh and the gst rate applicable at the rate of 5% now he has sold out some goods that is outward supply amounting rupees 5 lakh and he has received suppose he has received 1% uh, GST. Why 1%? Because I am taking the I am taking that Mr. X opted for Composition levy Metrax opted for Composition levy so whenever he is selling of any kind of goods or services he will receive only 1% GST from the recipient now that means in this case he will charge only 5% that is sorry 5000 as GST plus that means plus plus

फाइव थाउजेंड एज एज जी एस टी टू गवर्नमेंट ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर हम जो है इस चैप्टर में दो सेक्शन पढ़ेंगे बेसिकली सेक्शन टेन वन एंड सेक्शन टेन टू अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन वन कंबोज लेवी इज फॉर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स एंड दप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेस आ रिट सेक्शन टेन वन में सेक्शन टेन में कंपनीज लेविक कौन कौन ऑप्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड द सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज एज वेल एज कैटरिंग सर्विसेज सेक्शन टेन टू कंपनीज टू किसके लिए? फॉर अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट और क्या बोला सब्थ, लेवी जो है वो मैनुफेक्चर को मिलेगा ट्रेडर को मिलेगा ठीक है और रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस को मिलेगा यानी कि बाकी जो अदर सर्विसेज हैं उनके लिए पहले ये था ही नहीं ठीक है बट फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक न्यू स्कीम आई दैट इज कॉल्ड न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम जिसमें बोला हुआ कि जो रेस्टोरेंट एंड अदर कैटरिंग सर्विसेज है उनको भी कॉम्पोजिशन लेवी लेने का अब यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑप्शन जो है वो खोल दिया है ठीक है तो वो जो है किसमें कवर हो जाएंगे सेक्शन टेन सब सेक्शन टू में चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन टेन सब सेक्शन वन दैट मीन्स हु आर द एलिजिबल पर्सन टू गेट ऑप्शन फॉर कंपोजिशन लेविंग

इसका ध्यान से मतलब सोना है सपोज देर इज अ मैन्युफैक्चर एंड ही इज बेसिकली हीज अ फैक्ट्री एंड बेसिकली हीज मैन्युफैक्चरिंग सम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज वेल एज ही इज बेसिकली प्रोवाइडिंग समर्विसेज Suppose, services in the form of 32 to transportation or packaging that means manufacturing plus these services So, they are here in section 10.1 I repeat, suppose you are a manufacturer of गुड कोई भी पटेल गुड है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो साथ साथ आपने सर्विस भी आप अवेल कर रहे हो ठीक है वो क्या है कोई भी, उसके भी, तो भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग तो के साथ साथ अगर कुछ कोई छोटी मोटी अगर सर्विस भी अगर आप दे रहे हो तो वो आप सेक्शन टेन वन में कवर हो जाओगे ठीक है अब देर आर स्टेट सप्लाई

इंटरसेट सप्लाई आप इंटरसेट सप्लाई नहीं करतेजो कर e e चाहे वो, वो फ्लिपकार्ट हो गया कोई भी हो गया आप जो है अपने गुड्स को या कोई भी सर्विस जो है आप जो है सप्लाई नहीं कर सकते थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर को देवी जो भी ऑप करता है वो नॉन लेवल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता नॉन लेवल गुड्स कौन से हैं एल, एल्कोली कर पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ठीक है जिस रेट नहीं हुआ तो आप इस पर नहीं कर सकते देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड गुड कौन से हैं यानी कि गवर्नमेंट ने रेस्टिंग कर सकते हैं यानी कि आप इन सबकी सप्लाई नहीं कर सकते कौन कौन सी आइसक्रीम पान मसाला टोबैको आपको अच्छे से पता है कि इन पे बेसिकली ट्वेंटी एट रेट जो वो है वो एप्लीकेबल होता है ठीक है और अब आप और आप, आप खुद ही सोचिए अगर गवर्नमेंट अगर इसके आउटवर्ड सप्लाई पे अट्ठाईस परसेंट जीत लगता है और आपने अगर, अगर कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर लिया तो आपके पास गवर्नमेंट को सिर्फ एक परसेंट टैक्स हो गए इस तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट इतना लॉस जो है बर्डन नहीं ले सकती तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा यहाँ पर एक रिलेक्शन डाल दिया दैट इफ यू आर मैन्यूफेक्चर ऑफ आइसक्रीम पान मसाला और टोबेको यू कांट गेट यू कांट अवेल फॉर कम्पिशन लेवी ठीक है तो इसमें आप जो है कंबर्शन लेवी ऑप नहीं कर सकते अगर आप इन सब के मैन्युफेक्चर हो अच्छा यहाँ देखना यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चर मीन्स अगर कोई आइसक्रीम का ट्रेडर हुआ तो पान मसाला का ट्रेडर हुआ तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का ट्रेडर हुआ तो वो ट्रेडिंग कर सकता है बट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता ठीक है मीन्स अगर किसी को किसी को कम्बर्स लेवी लेना है तो वो इन सब गुड्स की जो है मैनुफैक्चरिंग कर सकता है ट्रेडिंग कर सकता है ठीक है देन इशू ऑफ टैक्स इनवाइस जैसे देखिए अगर आप कहीं पर अगर आप जैसे अगर आप मान लीजिए किसी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ठीक है या फिर मान लीजिए अगर आप कोई कोई गुड्स पर कोई को पर्टिकल पत्रे, गुड परचेज करते हो तो गुड्स परचेज करते हो ठीक है तो आपको इसमें क्या लिखा था सी जी एस टी ए जिस टी लिखा होता है या अगर आप कहती है किसी यूनियन टेरिटेरी में तो वहाँ पर लिखा होता है यू टी जी एस टी ठीक है तो वहाँ पर क्या आपको प्रॉपर जो एक बिल बिल टैक्स इनवॉइस मिलता है ठीक है बट यहाँ पर क्या कमर्शियल लेवल में आप जो है सिर्फ सिर्फ एक जो है एक बिल इशू करते हो ठीक है बिल रेस करते हो बट वहाँ पर जो है ऐसा कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होता टैक्स इनवॉइस जो आप इशू रे, रेजिंग कर सकते हैं देन नॉट फॉर सी टी पी और एनआरटी पी सी टी पी इन देंस कैजल टैक्सीबल पर्सन एंड एनआरटीपी मीन्स नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन स अगर आप कैजल टेक्सम पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो आप ये कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते ठीक है सो दीज आर दी रेक्शन इफ यू एनी वन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी नेक्स्ट एलिजिबलिटी फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है फॉर दी ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी क्या बोला हो इसमें लास्ट ईयर लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्न ओवर कि कोई लिमिट है और वो लास्ट ईयर टर्न ओवर जो, जो, जो नहीं है अच्छा अब जो हम टर्न ओवर पढ़ रहे हैं वो हम टर्न ओवर किसके लिए पढ़ रहे हैं टर्न ओवर ऑफ ऑल द्रांचेस इन इंडिया हैविंग सेम पानी जी आपका बिजनेस जो है मानीजिए में only for the, only for this business. तो पे गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाह रहे हो तो आप एक बिजनेस का नहीं आपको सबका लेना पड़ेगा सभी का आपको कॉम्पोजिशन लेवल लेना पड़ेगा तो यहाँ पर टर्न जो है सबका अकाउंट होगा आई रिपीट अगर कोई सप्लायर लेवी करना चाह रहा है ठीक है? एंड उसके एक बिजनेस नहीं है उसके अदर देखिए जीएसटी तो पेन तो सेम ही तो जो, जो भी हैं ब्रांचेस उनका अगर एक ब्रांच में अगर आप कम्पोज लेव लेना चाह रहे हो तो आप किसी एक ब्रांच का नहीं सब ले सकते आपको का जो कंपोजिशन लेवी लेना पड़ेगा यानी कि जो टर्नओवर अकाउंट होगा वो सबका मिला के ठीक है अब पढ़ते हैं पर लिमिट क्या है देखें लिमिट क्या फॉर फॉर दी ए ए एम 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 एन टी एस यू अरुणाचल प्रदेश एम फॉर मेघालय एम फॉर मणिपुर एम फॉर मिजोरम एन फॉर नागालैंड टी फॉर त्रिपुरा एस फॉर सिक्किम यू फॉर उत्तराखंड दैट मींस अगर कोई पर्सन अगर इन स्टेट्स में सप्लाई कर रहा है एंड दैट पर्सन बेसिकली वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी तो उसका लास्ट ईयर लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर टर्न ओवर जो है वो कितना होना चाहिए ओनली अप टू सेवेंटी फाइव लैक आई रिपीट जैसा मान लीजिए ये है नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है अगर किसी सप्लायर का ये जो लास्ट ईयर टर्नओवर जो है वो अगर अप टू सेवेंटी फाइव लैक है सो ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवल अदरवाइज वो कंपोजिशन लेवल ऑप्ट नहीं कर सकता ये किस, किस में है? वो अगर ये इन एट स्टेट्स में है दो स्पेशल एट स्टेट्स में ठीक है अदरवाइज अगर मान लो वो किसी और दूसरे स्टेट में मान लो दिल्ली है पंजाब है तो फिर उसकी लिमिट जो डबल हो रही दैट इज जाए और यू कैन से वन पॉइंट फाइव करोड़ आई रिपीट अगर कोई सप्लायर कंपन लेवी ऑप्ट करना चाह रहा है तो so पहले तो उसका जो टर्न होगा वो हमें देखना पड़ेगा अगर उसको मान लीजिए विद इन स्टेट्स उसकी ब्रांचेस हैं या फिर उसकी आउटसाइड द स्टेट ठीक है अगर कोई भी स्टेट कोई भी अगर अदर ब्रांचेस हैं तो सबका मिला के जो हम यहाँ पर टर्नओवर की लिमिट चेक करेंगे अगर वो ये स्पेशल एट स्टेट्स में है तो उसकी लिमिट कितनी होगी लास्ट ईयर टर्नओवर शुड नॉट एक्ससीड 75 लाख अदरवाइज इन ऑल अदर स्टेट्स उसकी लिमिट कितनी डबल हो जाएगी दैट इज 150 लाख अगेन लास्ट ईयर टर्नओवर ठीक है अब हमें देखना है कि टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्ससीड होगा टर्नओवर आपको टर्नओवर का मतलब पता है दैट इज सेल्स दैट इज आउटवर्ड सप्लाई अब आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई नॉन लेवीएबल सप्लाई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई सर अभी तो आपने बताता था, बताता था कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते डियर ये मैं बता रहा हूं बि, बिफोर ऑप्टिंग पर खड़े हो आप अभी यहां पर खड़े हो तो हम जब हम एलिजिबल चेक करते हैं तो टर्न चेक कर रहे थे तो हम टर्न ओवर तो हम इस ईयर का चेक कर रहे हैं अब इस ईयर तो आप यहाँ पर यहाँ पर तो आप सब कुछ कर रहे थे आईजी स्टी भी कर रहे थे ठीक है लेवीएबल गुड्स भी आप कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे तो यहाँ पर जो है टर्न ओवर सबका काउंट करेंगे बट वंस यू ऑप्टेड फॉर कम्बोशन लेवी देन यू कैन बेनिफिट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ आई टी सी एज वेल एज यू कैन सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते ठीक है नॉन लेवल गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते अभी मैं समझाऊंगा ठीक है जैसे अभी हमने प्राइसेशन बढ़े दी

तो हम जो टर्न ओवर देखना कि टर्न ओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा ठीक है तो वो उसका चेक कर रहे हैं तो उसमें टैक्स सप्लाई भी इंक्लूड होगा एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई नॉन लेवेबल सप्लाईज एज वेल एज इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ठीक है क्या क्या एक्सक्लूड होगा ऑल द काइंड ऑफ टैक्स दैट इज जी एस टी अब जी एस टी में कुछ भी हो सकता है सी जी एस टी एच जी एस टी यू टी जी एस टी एंड आई जी एस टी तो इन सब में ये टैक्स रेट जो है वो टैक्स अमाउंट जो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए नेक्स्ट फॉर सर्विस प्रोवाइडर हु मे सप्लाई सर्विसेज इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स जैसे ये जो मैंने अभी लिमिट बताई है दैट इज इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लीजिए अगर कोई मैन्युफेक्चर है या ट्रेडर है तो मैंने ये उनकी लिमिट्स बताई है बट अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया अगर मान लीजिए कोई मेनुफैक्चर है साथ साथ कोई वो सर्विस भी अवेल कर रहा है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पैकेजिंग का ट्रांसपोर्टेशन का ठीक है तो क्या वो सर्विस की सर्विस में कुछ में कोई लिमिट नहीं है जैसे ये मैंने जो लिमिट बताई वो मैंने बताई इन द केस ऑफ गुड्स बट अगर उसके साथ साथ जो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है किसी को तो उसकी भी कोई लिमिट होगी तो वो लिमिट यहाँ पढ़ रहे हैं क्या है रुपीज फाइव लैख और टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर हायर हायर ऑफ होगा, ठीक है, अगर अगर साथ में अगर वो सर्विस की सप्लाई भी कर रहा है तो सर्विस की सप्लाई करने की लिमिट क्या है फाइव लैक ,00 और टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवरेज हायर ठीक है अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट ठीक है अब पढ़ते हैं हम वट आर दी जीएसटी रेट्स ये एप्लीकेबल होता है अंडर रूल नंबर सेवन तो देखो अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो उसका जीएसटी रेट क्या है वन परसेंट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल सप्लाईज ध्यान से देखिए मान लीजिए आपने कंपोजिशन ऑप्ट किया है ठीक है एंड आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो पे ज़ीरो परसेंट भी अप्लीकेबल है वन रेट परसेंट भी अप्लीकेबल है फाइव परसेंट भी है ट्वेल्व परसेंट भी है एटीन परसेंट भी है सब तरह के रेट्स जो हैं आप अप्लीकेबल हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर क्या बोला है जी रेट कैसे अप्लीकेबल यानी कि अगर आपने यह हम बात कर रहे हैं अब हम जी आपने सॉरी कम्बन लेवी आपने अवेल कर लिया ठीक है अब आपका जो रेट होगा वो क्या होगा बिगॉज आपका जो वन परसेंट होगा वो टर्न ओवर होगा टन ओवर में क्या क्या होगा? हम बात कर रहे हैं ठीक है अब आप उस परसेंट जीएसटी दोगे गवर्नमेंट को अब वन परसेंट किस पे दोगे टर्न ओवर पे और टर्न ओवर में क्या इंक्लूड होगा क्या होगा? हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा है

वन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पर इसका क्या मतलब है जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए जीरो परसेंट कितना दे रहे हो वन लाख की सप्लाई करिए वन परसेंट की टू लाख की ये थ्री लाख की ये फोर लाख की ये फाइव लाख की टोटल कितना हो गया दैट इज टेन लाख ठीक है बट अगर मान लीजिए आप सिर्फ सिर्फ मैन्युफैक्चर की सप्लाई कर रहे हो तो तो आप सब पे यानी कि इसी का आप टेन परसेंट दोगे ठीक है अब इसका इस, इसका सॉरी वन परसेंट हो ठीक है अब इसका वन परसेंट कितना होगा टेन थाउजेंड यानी कि आप गवर्नमेंट को टेन थाउजेंड जी एस टी पे कर दोगे अगर आप इसमें मैनुफेक्चर कर रहे हो बट अगर आप इन एडिशन टू दिस अगर आप सर्विस की भी सप्लाई कर रहे हो ठीक है तो इसकी देखिए लिमिट क्या है पहले बताओ लिमिट क्या है पहले लिमिट क्या होगी कि फाइव uh, लैख ,00 और टेन परसेंट ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर विच आ हायर ठीक है तो अगर मान लीजिए मान लीजिए अगर आपने सपोज ये जो वन लैख आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो उसमें कितना होगा ऑल तो इसमें आप जीरो परसेंट का हटा कर यानी कि टर्नओवर कितना काउंट होगा ओनली नाइन लैख इसका आप जो है टैक्स दोगे थाउजेंड मैं फिर से हूं. अगर आपने लेवी ले कर लिया है

यानी जीरो परसेंट हटा दो ठीक है उसकी, उसकी 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 जो वैल्यू वैल्यू को हटा दो वैल्यू को हटा गए, बाकी जो भी वैल्यू उसका गवर्नमेंट को जीएसटी नेक्स्ट, अगेन अगर आप ट्रेडर हो तो उस पर भी आप क्या देन अगर कोई कम्बल ऑप्ट कर लिया और वो रेस्टोरेंट में सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उस केस में जो टर्नओवर है वो क्या होगा परसेंट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल सप्लाईज ऑफ ऑल सप्लाईज ठीक है अदर सर्विसेज दैट मींस अदर सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज तो उस पे देखिए जीएसटी रेट कितना एप्लीकेबल होगा दैट इज 6% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ठीक है एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो, कितना होगा देखिए यहां पर अच्छा यहाँ पर जो लिमिट देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर जो लिमिट बताई थी दैट इज सेवेंटी फाइव लैख एंड वन फिफ्टी लैक ये मैंने किसके लिए बता दी ये मैंने आपको बताई दी गुड्स के लिए ठीक है और अगर आप आ, और ये है सर्विसेज ठीक है अदर देन रेस्टोरेंट के लिए अच्छा यहाँ पर जो गुड्स भी हैं प्लस अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसकी रेस्टोरेंट की तो ये उसके लिए भी है आपकी ये रेट अप्लीकेबल होगा ठीक है बट अगर आप जो है सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज तो उसके लिए लिमिट कुछ और हो जाएगी दैट इज ओनली अप टू रुपीज फिफ्टी लैख यानी कि फिफ्टी लैख से ज़्यादा आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीके? जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ जैसा मान लीजिए ऊपर हेडिंग देते हैं कंपोजिशन लेवी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि न्यूली रिचर यानी कि मान लीजिए हो सकता है उसने बिजनेस अभी अभी शूट किया हुआ है अब बिज़नेस अभी भी स्टार्ट किया सेटअप किया है ठीक है तो वो पूछना चाह रहा है क्या मैं कंपनीशन लेवी ऑफ कर सकता हूँ और अप करूँगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा प्लस क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कम मिलेंगे टर्नओवर कैसे काउंट करेंगे कैसे मैं जीएसटी पे करूँगा ठीक है तो उसकी बात हो रही है So, मान लीजिए अभी वो इस यहां पर है वो पर्सन दैट मीन्स नो सप्लाई और मे बी सप्लाई बट नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन जैसे देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की लाइविटी कितनी है टेन लैक ट्वेंटी लैख और फोर्टी लैख मान लीजिए वो अभी भी इस कैटेगरी में नहीं आया इस लिमिट की कैटेगरी में नहीं आया ठीक है या वो सप्लाई नहीं करा कुछ भी हो सकता है और वो पूरा न्यू है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है मान लीजिए वो पर्सन है उसने यहाँ तक जो है ट्वेंटी लैख की सेल करी है ठीक है इसके बाद यहाँ तक उसने थर्टी लैख की सेल करी है उसके बाद उसने जो फिफ्टीन लाख की सेल करी है ठीक है मैं डेट भी लिखता हूँ मानी जी ये ट्वेंटी थर्टी जून ये करिए अपर्टी फर्स्ट दिसंबर ठीक है अब उसका टर्नओवर हमें चेक करना है कैसे हुआ जैसे मान लीजिए इफ सप्लायर वॉन्ट टू ऑप्ट आपको पता ही है कौन सी सर्विस है ये दैट मीन्स कौन सी सर्विस है सप्लाई कर रहा है सर्विस की अदर देन रेस्टोरेंट सप्लायर ठीक है अब वो पूछना चाह रहे हैं अब उसका लास्ट ईयर ओवर देखिए चाहिए देखिए लास्ट टर्न ओवर कितना चाहिए फिफ्टीन लैक तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये नाइनटीन है ट्वेंटी है और ये ट्वेंटी वन है ठीक तो है तो नाइनटीन ट्वेंटी यानी कि प्रीवियस ईयर में उसका टर्न कितना चाहिए पचास लाख होना चाहिए अब उसने कोई सप्लाई ही नहीं करी उसने सप्लाई ही नहीं करी तो ऑब्वियसली उसके तो पर उसकी जो ल, सप्लाई की जो वैल्यू है वो ओब्वियसली पचास लाख उससे भी कम है ठीक है दैट मीन्स ही इज एलिजिबल सिंस लास्ट ईयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड फिफ्टी लैक ठीक है नेक्स्ट एलिजिबल क्या है ही हैजू गेटि रजिस्टर्ड बाई जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए देन अगर हम बात करें फॉर द फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन देखिए अब जैसे वो ऑप्ट कर लेगा तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए पचास लाख होता चाहिए अब आप देखो उसने पचास लाख इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ से यहाँ तक किया लेकिन ये देखिए टोटल इसका कितना हो गया ये ये हो गया फिफ्टी लाख अब उसके बाद ये फिफ्टी लाख क्रॉस हो गया उसने फिफ्टीन लाख और एडिशन कर लिया तो फिर क्या होगा दैट मीन्स दिस पर्सन He is eligible for financial year twenty twenty one up to aggregate turnover Rupees fifty lakh that is. कब तक तो होगा उसका अपटू थर्टी फर्स्ट दिसंबर यानी कि ही उसकी वो लिमिट क्रॉस क्रॉस होगी वो कम्पोजिशन लेवल से बाहर हो जाएगा वो लेवी से बाहर हो जाएगा तो देखिए यहां पर अब इस केस में उसकी जीएसटी की लाइब्रिटी कितनी होगी जीएसटी लाइब्रिटी अंडर कंपोजिशन लेवी कितनी होगी देखिए वो कौन है क्या ऑप्ट किया उसने टेन टू ए और टेन टू ए में उसका रेट ठीक है 6%. अब ऑफ में क्या क्या अकाउंट होगा टर्न ओवर में वहां पर क्या लिखा था टर्न ओवर दैट मीनस जितना उसने ऑप्ट किया है ठीक है ऑल सप्लाइज तो कितना किया फिफ्टी लैख सॉरी वैल्यू क्या लिखी है मैंने लिखा है देखिए उसकी जी एस टी कितनी होगी अंडर कॉम्पोजिशन लेवी दैट इज फिफ्टी लैख एंड उसका सिक्स परसेंट दैट इज अमाउंटिंग रुपीज थ्री लैख ठीक है अब अमान जी क्वेश्चन अराज होता है सपोज उसने कम्पोजिशन लेवी जो है ऑप्ट किया सपोज ऑन थर्टी जून थर्टी जून के लिए इसने उसने कम्पोशन किया यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड जो है वो कब आया कब हुआ वो थर्टी जून का हुआ तब उसका जो है टर्न ओवर यानी जब वो गवर्नमेंट को सिक्स परसेंट पे करने जाएगा तो किस पे पे करेगा देखिए उससे पहले देखिए उसकी कितनी थी बीस लाख तो एलिजिबल था वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में भी ठीक है तो उस केस में जो है वो मान लीजिए अगर वो करता है तो उसके लिए टर्न ओवर होगी वो काउंट होगी ओनली थर्टी लाख

टू थाउजेंड ट्वेंटी तब तो वो कितना पे करेगा थ्री लाख और अगर उसने थर्टी जून को उसने कम्पोज लेवी में ऑप्ट किया है तो वो कितना टैक्स पे, पे करेगा वन लाइक एटी थाउजेंड डिफरेंस यही आएगा बट कॉमन थिंग एग्रीकेट जो कितना होगा वो फिफ्टी लाख ही होगा ठीक है अच्छा सर अगर जो ये लिमिट क्रॉस कर दी है इस पर्सन ने ये वाली इसका क्या होगा वो कम्पोज लेवी से बाहर हो जाएगा दैट मीन्स आफ्टर दिस ही विल नॉर्मल लेवी एंड नॉर्मल लेवी में वो, वो सप्लाई कर सकता है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सप्लाई भी कर सकता है ठीक है और आई का बेनिफिट भी दे सकता है टैक्स इनोवेस इशू कर सकता है सब कुछ कर सकता है ठीक है वो नोवल नावी में आ जाएगा जैसे देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए यहाँ पे ये यह मैं लिख नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी मान लीजिए उसकी जो लिमिट है उसकी जो सप्लाई वो कितनी अप टू सेवेंटी फाइव लैख और वन फिफ्टी लैख मैं दोनों ही लिख देता हूँ ठीक है ये क्या है एग्रीगेट के टर्न ओवर अब यहाँ पर तो वो देखिए इंटर स्टेट भी सप्लाई कर रहा है क्योंकि अभी तो वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं किया उसने यहाँ पर ठीक है कॉमर्स e okay, के ऑप्टर के थ्रू सप्लाई कर रहा है प्लस नॉन लेविबल गुड्स की वो सप्लाई कर रहा है वो सब कर रहा है ठीक है प्लस ये भी कह सकते हो कि वो इस पॉइंट पे टैक्सेबल uh, सप्लाई भी कर रहा है प्लस एग्जाम सप्लाई भी हो रही है प्लस नॉन लेवल गुड्स मैंने दिया तो वो सब सप्लाई कर रहे हैं अब टू थाउजेंड ले ले कितनी, है? कितनी, है? कितनी है? है? अब है, वो है तो यहां पर देखिए अब वो जो है कंपोजिशन लेवल में एंटर कर गया है यहाँ पे ठीक है दैट मीनस अब वो इस पॉइंट पे वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है टैक्स इनवॉइस नहीं कर रहा वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है प्लस ही इज नॉट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी ठीक है प्लस इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता e वो ठीक है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सप्लाई नहीं कर सकता ठीक है यानी कि वो ये भी नहीं कर सकता ये भी नहीं ये भी नहीं बिल सप्लाई इशू करेगा वो इन ऑफ टैक्स इनवाइस जनरेट करेगा अब मान लीजिए वंस ही क्रॉस एग्रीगेट दीकेर वो लिमिट कर देगी दैट मीन्स इन दिस पॉइंट ही विल एंटर इन टू नॉर्मल लेवी वो नॉर्मल लेवी में आ जाएगा दैट मीन्स जैसे वो यहां पर आ जाएगा फिर तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है आई टी सी बेनिफिट भी ले सकता है ई e कॉमर्स को ट्रक भी कर सकता है तो ये सब काम कर सकता है ठीक है सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लेवी एंड द कंपोजिशन लेवी अब देखिए एक बार और आइए तो हमें ऊपर जो एग्जाम्पल लेता ये मैं लेता कॉम्पोजिशन लेवी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन अब हम लेते हैं कंपोजिशन लेवी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन लेवी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ आ जाएगा <coughs> जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर है और वो मान लीजिए सारे के सारे वो टैक्सेबल सप्लाई चलो एक और एग्जाम्पल वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है फॉर गुड्स ठीक है एट्टी ,00 लैख की प्लस कुछ एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं अमाउंटिंग रुपीज टेन लैख ,00 ये है सर्विसेज ठीक है अब मान लीजिए टेन लाख जो है ध्यान से देखिए जो टेन लाख अमाउंट है इसमें दो कैटेगरी है बेसिकली क्या दो कैटेगरी है इसमें एक तो उसने कुछ इंटरेस्ट की सप्लाई कर रहा है कितने की तीन लाख की और कुछ अदर एग्जाम सप्लाई है जो कि सेवन लाख की है ठीक है अब हमें चेक करना है उसका लास्ट ईयर टर्न ओवर वो क्या होगा देखिए लास्ट ईयर टर्न ओवर कितना होता है लास्ट ईयर टर्न ओवर कितना है मान लीजिए ये सप्लाई कर रहा है सपोज डेली स्टेट में तो डेली स्टेट में क्या चेक पड़ेगा वन फिफ्टी लैक होना चाहिए तो वन फिफ्टी लैक के लिए कौन से टर्न ओवर काउंट होगा ध्यान से देखिएगा एक तो ये एट्टी लैख होगा ही होगा ठीक है प्लस प्लस सेवन लैख यानी कि उसमें इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा ठीक है इसमें जो इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा दैट मींस अब आपका जो है लास्ट ईयर टर्नओवर कितना होगा कि काउंट करेगा ओनली एट्टी फाइव लैख एट्टी सेवन लैख मैं फिर से भी कर रहा हूँ इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई सर्विस अगर करी है तो वो लास्ट ईयर टर्नओवर में कभी काउंट नहीं होती ठीक है थीके? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए अब अच्छा याद रखना ये मैं रजिस्टर्ड पर्सन का केस ले रहा हूँ ठीक है मान लीजिए वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की जिसका अमाउंट है सपोज सेवेंटी लैख फिर एग्जाम सप्लाई अगेन गुड्स की ऑफ़ रुपीज थर्टी लैख टैक्सेबल सप्लाई सर्विस है अब हमें करंट ईयर की वैलिडिटी हमें चेक करनी है करंट ईयर की वैलिडिटी चेक करनी है हमें क्या वो एलिजिबल है कंबिशन लेवल में क्या वो आप तो नहीं हो गया तो देखिए अब हम क्या करेंगे अब इसमें क्या का अकाउंट होगा सेवेंटी लैख थर्टी लैख फाइव लैख अगेन हम इसमें इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट रिलेटेड एग्जाम से अप्लाई किया है वो हम काउंट नहीं करेंगे दैट मीन्स जो टर्न ओवर कितना काउंट होगा हंड्रेड फाइव लैख ठीक है और उस पे जो ये वन परसेंट जो है टैक्स रेट अपली हो जाएगा दैट इज़ वन लैख फाइव थाउजेंड वन फाइव थाउजेंड। सो दिस इज द केस ऑफ कंबेशन लेवी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है और लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ आपको मैं कि जो पेमेंट होगी यहाँ पर जीएसटी की वो कैसे कैसे होगी अगर कंबोशन लेवी आपको ले दो पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो होगी एक तो ऑन क्वार्टरली बेसिस पे अगर भी ऑप्ट कर लिया तो क्वार्टरली बेसिस दैट मींस एटीन डे फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर ठीक है एंड इसी की आप जो रिटर्न फाइल करोगे दैट इज रिटर्न ऑफ जीएसटी वो होगी एनुअली थर्टी अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ठीक है सो ये पेमेंट एंड जीएसटी रिटर्न से आपके रिलेटेड है दैट मीन्स अगर जैसे वो पर्सन कोई कंपनी करता है तो उसको जीएसटी की पेमेंट कब अब करनी है So students this is the whole concept of combustion levy. I hope you understand very well. Thank you.